अखंड भारत हो, हमारा ये वैसे थे एक भारत हो जाए, जो आज भेदभाव चल रहा है भेदभाव खत्म होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। कि जब बात देश के लिए होती है, जब बात धर्म के लिए आता है, तो भारत भारत बच्चा भी शेर बन जाता है। आजकल के प्राइवेट स्कूल पैसा छापने की मशीन बन चुके हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षा पर गिद्ध दृष्टि लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारी टीम खांडसा रोड गुरुग्राम आई हुई है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी जन सेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में विशाल यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने भाग लिया, कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया और गगन भेदी नारे लगाए गए। मैं रणधीर राय, जनसेवा सांस्कृतिक चेतना मंच के अध्यक्ष। हम लोग पिछले 5 साल से ये भव्य यात्रा निकालते आ रहे हैं और विशाल यात्रा होती है। ये सेक्टर 10 से निकली हुई है, भूतेश्वर मंदिर होते हुए, कादीपुर रोड होते हुए और फिर यहाँ पे आके हम लोग सेक्टर 10 में झंडा फहराए हैं और इसमें काफी स्कूल के, कई स्कूलों के बच्चे भी आते हैं, हमारी पूरी टीम रहती है। अखंड भारत हो, हमारा ये वैसे थे एक भारत हो जाए, जो आज भेदभाव चल रहा है भेदभाव खत्म होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। मैं शंभु प्रसाद, जनसेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच का महासचिव। सबसे पहले दो नारे लगाएंगे जोश के साथ, जैसे हमने रैली में लगाई है। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि जनसेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच 5 वर्षों से लगातार स्वतंत्रता दिवस पे रैलियां जोर शोर से निकालती आई है और आज इस रैली में जितने भी महानुभाव, जितने भी हमारे सदस्यगण मौजूद है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस रैली को इन्होंने पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा बनाया। स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। माता की, सभी को साधुवाद। आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ उपलक्ष हुए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा इन सभी छोटे बच्चों का, स्कूल के विद्यार्थियों का, जिन्होंने आज हमारे साथ समाज में कदम मिलाकर के साबित किया है कि जब बात देश के लिए होती है, जब बात धर्म के लिए आता है, तो भारत भारत बच्चा भी शेर बन जाता है। इसीलिए हमारी किताब में कहा गया है कि इस देश का भारत भारत में बच्चा बच्चा भी शेर है। लेकिन एक शेर की दहाड़ कब होती है? जब एक जंगल में एक दहाड़ काफी होता है। भारत में कुछ चीजें ठीक होनी जरूरी है। आजकल के प्राइवेट स्कूल पैसा छापने की मशीन बन चुके हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षा पर गिद्ध दृष्टि लगा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, आधों को पता भी होगा, हमारे देश के प्राइवेट स्कूल में 60 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त तो होता है। क्या ये सही है? वंदे जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश प्यार नहीं। वंदे वंदे मित्रों, वजन के खातिर मल मिटने वालों का आप सभी सम्मान करो। छोड़ा जिसने अपना घर संसार, छोड़ा जिसने अपना घर संसार, उस दहलीज पर नमन बार बार करो, उस दहलीज पर नमन बार बार करो। खुशी, उल्लास, अभिमान, गर्व, ना जाने कितनी ही भावनाएं आज हम सबके मन में कहीं ना कहीं उमड़ घुमड़ रही हैं। 140 करोड़ जनता का भारत, 240 करोड़ आंखों का भारत, एक ऐसा भारत जिसका युवा सबसे महान और सबसे आगे है, ऐसा भारत जो युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देता है, ऐसा भारत जो पटल पर सूरज की तरह चमकने वाला भारत, ऐसा भारत जो जल्द ही विश्व गुरु में अपना स्थान सबसे अग्रणीय पाएगा। आज उस भारत की जन्मभूमि पर पैदा होने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।